हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड के सिलेबस में आपकी ये यूनिट दी हुई है असाधारण आवश्यकताओं वाले बालक, जिसमें बहुत सारे हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से मैं आपको शारीरिक रूप से विकलांग बालक और दृष्टि असक्षम बालक, ये दोनों चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम श्रवण और बोलने के दोष वाले बालक को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें कि जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। विकलांगिक असक्षम अपंग बालक का वर्गीकरण। अपंगता का मेडिकल साइंस में विकलांगिक अक्षमता नाम है, तो इसको मेडिकल साइंस में विकलांगिक अक्षमता नाम से जानते हैं। अपंग बालकों को हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यदा कदा देख लेते हैं। अपंगता के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे है लूले लंगड़े या हथकटे, जिसे मिसिंग शॉर्ट एंड या लिम्बेट कहते हैं, एक या इससे अधिक अंगों को लकवा पैरालिसिस ऑफ वन और मोर लिम्स, थर्ड है पांव फिरा क्लब फुट, फोर है मेरुदंड का वक, इसे कहते हैं कर्वेंचर ऑफ स्पाइन, फाइव है प्रमस्तिक पक्षाघात, जिसे सेरिब्रल पैलसी कहते हैं, सिक्स है विकृत नितंब मेलफॉर्मेंट हिप्स हो गया, सेवन है मेरुदंडीय दिसाइक्या स्पाइना बाइफिडा, और एट है मांसपेशिया डायस्ट्रॉफी, जिसे मस्कुलर डायस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इन समस्त प्रकारों में जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है वो अधिकतर अपंग बालकों में पाया जाता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, जिसे ये कहते हैं सेरिब्रल पैलसी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण है मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट का लगना। इस प्रकार की मस्तिष्कीय चोट प्रायः गर्भावस्था में ही लगती हैं। इस प्रकार की अपंगता में ऐच्छिक गामक क्रिया प्रणाली, जिसे हम लोग वॉलंटरी मोटर फंक्शनिंग होते हैं, उसमें गड़बड़ा जाती है। तो कौन सी क्रिया इसमें गड़बड़ा जाती है? वॉलंटरी मोटर फंक्शनिंग जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, या गड़बड़ मात्रा में बालक से बालक में भिन्न होती है। मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तथा कितना भाग प्रभावित हुआ है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के तीन प्रकार हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि दो बालक में यही बीमारी है, लेकिन उसकी मात्रा डिपेंड करती है कि किसको कितनी ज़्यादा गंभीर ये बीमारी हुई है। तो इसमें आ है मस्तिष्कीय सा स्तंभ, जिसे हम लोग स्पेसिटिसिटी कहते हैं, और दूसरी होती है एथिटोसिस, और तीसरी होती है अटैक्सिया, ATAXIA अटैक्सिया। मस्तिष्क स्तंभ में अकस्मात व झटकेदार गति होती है, और एथिटोसिस में धीमी तथा बार बार होने वाली गति होती है। इसमें प्रायः गले और मुंह की मांसपेशियों में नियंत्रण नहीं रहता है। इस कारण निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं? मुंह से लार टपकती रहती है, चेहरे की मांसपेशियों का लटक जाना होता है, वह बोलने में कठिनाई होती है। एटोसिया में अंगों में सामंजस्य व संतुलन नहीं रहता है। एटोसिया में क्या होता है? हमारे जो अंग होते हैं उसमें सामंजस्य और संतुलन नहीं रह जाता है। प्रामस्तिष्कीय पक्षाघात में निम्नलिखित प्रभाव देखने में मिलते हैं। पहला क्या होता है कि मानसिक रूप से पिछड़ापन दिखाई देता है अथवा प्रतिभा युक्तता, दूसरा है अधिगम असक्षमता दिखाई देती है, थर्ड है दृष्टि दोष, श्रवण दोष, वाक दोष व भाव दोष। इन दोषों का कारण मस्तिष्क का प्रभावित होना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यह बात निश्चित करती है कि वर्णित दोषों में से कौन सा दोष बालक में होगा और मस्तिष्क का कितना भाग प्रभावित होगा, यह बात निश्चित करती है दोष की मात्रा कितनी होगी। अपंग बालकों के विभिन्न प्रकारों में, जैसे लूले लंगड़े, हथकटे, पांव फिरा, विकृत नितंब, मेरुदंडीय दिशाखाएं तथा मेरुदंड का वक्र को छोड़कर अन्य प्रकार मस्तिष्कीय चोटों अथवा बीमारियों अथवा कमियों से संबंधित हैं। अतः निम्नलिखित प्रकारों में ग्रसित बालक मानसिक रूप से विकलांग या मेंटली हैंडीकैप्ड भी कहलाते हैं। इसमें है आपका लकवा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मांसपेशीय डायस्ट्रॉफी। वास्तव में उपरोक्त प्रकार में बालक मानसिक विकलांगता के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। अपंगता के कारण क्या क्या होते हैं? एक होता है कि जन्मजात
अनियमितता के कारण गर्भावस्था में कुपोषण आदि के कारण बालक का विकास भली प्रकार नहीं हो पाता है और उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जन्मजात शारीरिक अपांगता प्रयास चिकित्सीय के द्वारा ठीक नहीं हो पाती है, इसलिए इसे सहायक उपकरण कौशल तथा शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है दुर्घटना के कारण। किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पर बालक शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है। वाहन दुर्घटना हुआ, गोली का लगना हुआ, गिर जाना हुआ, किसी अस्त्र आदि से चोट लग जाना दुर्घटना के उदाहरण है। थर्ड है बीमारी के कारण। कुछ बीमारियां जो या अपनी प्रकृति अथवा लंबे समय तक रहने के कारण अपंगता का कारण बन जाती हैं। उदाहरण जैसे पोलियो है, मस्तिष्कीय सोच शारीरिक अपंगता जो है देते हैं। इनसे अस्थियां व अस्थि संधियां पेशियां रूप आकृति में दोष आ जाता है। बीमार बालक कई प्रकार की बीमारियों के कारण भी व्यक्ति जो है फिजिकल डिसऑर्डर्स में दिखाई देते हैं, जैसे दमा है, मिर्गी है, हृदय रोग है, सूखा रोग, तपैदिक, रक्त अल्पता, श्वेत रक्तता, धवल रोग, कैंसर, मधुमेह, आमवातिक ज्वर या कृमिकोषीय तंतु सोच या हसिया कोशिका खून की कमी। तो ये सारी बीमारी के कारण भी ये आपके विशिष्ट बालक देखने को मिलते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक को हम लोग विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखते हैं, तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक इन सब कमी के कारण हो जाते हैं। और इनके उपचार के लिए क्या क्या किया जाता है, जैसे कि सूज़ है, जैसे बच्चे के जो पैर हैं वो छोटे बड़े हैं तो सूज़ का यूज़ किया जाता है। और दूसरा है गैलिस या ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए ब्रेसेस का यूज़ कहाँ पे करते हैं या गैलिस का यूज़ कहाँ करते हैं, तो जब दांत आप कभी देखिए तो दांतों में बहुत लोग तार लगवाए रहते हैं ना कि उसको सिक्वेंस में लाने के लिए, तो ये दांतों में यूज़ होता है ब्रेसेस या गैलिस। व्हीलचेयर तो आप लोग को पता ही होगा, व्हीलचेयर का यूज़ होता है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हैंडीकैप। ये जिम है, जिम रखना चाहिए। प्रतिवर्ष मार्च का जो तृतीय रविवार होता है विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह निर्णय लिया गया था 1959 में 20 सितंबर को ज्यूरिख सम्मेलन में लिया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। फिर भारतवर्ष में भी विकलांगों हेतु कई कार्यक्रम बबनाए गए। विभिन्न सेवाओं में इन्हें 3% का आरक्षण दिया जाता है। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें 3% का आरक्षण दिया जाता है, और 1982 को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकलांग तथा बीमारी बालकों की समस्या में मूलतः अंतर नहीं होता है? तो अंतर होता है, जो विकलांग होते हैं और जो बीमार बालक की जो समस्याएं होती हैं उनमें अंतर जो है आपको देखने को मिलता है। ये असत्य अंतर नहीं होता, ये असत्य होगा। विकलांगों का विभिन्न नौकरी व सेवाओं में 3% का आरक्षण दिया जाता है, तो हाँ 3% का आरक्षण दिया जाता है। एक विकलांग व चिरकालिक रोगी समान रूप से समाज की दया का पात्र बन जाता है, तो ये सत्य बात है। और यहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर कोई विकलांग बालक है और कोई बीमार बालक है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनमें अंतर होगा। ये लिख रहा है कि उनमें अंतर नहीं होता है, तो विकलांग की अलग प्रॉब्लम होगी और बीमार व्यक्ति की अलग प्रॉब्लम होगी, तो इसमें अंतर होता है, तो यहाँ पर ये असत्य कथन है। रिक्त स्थान की पूर्ति है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपंग बालक ही शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। अपंग बालक क्या कहलाते हैं? जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। विकलांगता के मूल कारण दो होते हैं, कौन कौन से? एक जन्मजात कारण होता है, दूसरा होता है दुर्घटना के कारण व्यक्ति का विकलांग हो जाना है। वर्ष 1982 को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है 1982 को घोषित किया गया था। ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। भारत सरकार ने बड़ी संख्या में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र विकलांगों हेतु खोले हैं। 8 है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष उपचार सुविधा के साथ प्रशिक्षित अध्यापक व विद्यालय होने चाहिए। 9 क्वेश्चन है, निम्न में से अपंगता का कारण कौन सा नहीं है? तो जो मनोरंजन होता है वो अपंगता का कारण नहीं है। 10 क्वेश्चन है, विकलांगिक व असक्षम बालकों के लिए कोई 2 शैक्षिक प्रावधान बताइए। तो उनके लिए विशेष कक्षा होनी चाहिए और विशेष अध्यापक होने चाहिए।